अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा, अरे तो कर रहे घूम रहे, इनका ताकते नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे? दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में, बंगाल में नशा फाट ढीला किए ना उनका, पूरे भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, वो सब सोच समझ कर उसकी व्यवस्था करके आए हैं। ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा, हम धकिया नहीं थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं, हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में, हम यही के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, एक बार समाज खड़ा हो गया तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए, अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आप आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी।